राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले 22 YouTube चैनल बैन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की कार्रवाई। 18 भारतीय और 4 पाकिस्तानी चैनल शामिल, 3 ट्विटर, 1 फेसबुक और 1 न्यूज वेबसाइट को भी किया ब्लॉक। सीएम शिवराज ने की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत, 1,00,000 युवाओं को स्वरोजगार देने का प्लान, 50,00,000 तक का लोन उपलब्ध कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रामनवमी मनाने के निर्देश पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आपत्ति, रमजान के लिए भी जारी करें निर्देश, मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कांग्रेस मुस्लिमों को मानती है सिर्फ वोट बैंक। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी 2023 का विधानसभा चुनाव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, संन्यास की उम्र में सेहरा बांध रहे हैं कमलनाथ। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार के लिए जुटे दिग्गज, आज फिर 5 सभाएं करेंगे सीएम भूपेश, लोधी वोटर्स को साधने के लिए बुधवार से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सीएम भूपेश की सौगात, अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं भी फ्री, एनएसयूआई की मांग पर परीक्षा फीस की माफ। और 10 पैसेंजर ट्रेन 1 महीने के लिए रद्द होने पर सीएम भूपेश ने जताया विरोध, बोले मुनाफे के लिए जनता की तकलीफ को किया जा रहा नजरअंदाज, जन विरोधी फैसला वापस ले रेल मंत्रालय।